अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं जुनेद हलीम। एक नजर हेडलाइंस पर। रिमशाह मसीह के इमाम मस्जिद ने राख में कुरानी और आग शामिल किए। गवाह के बयान पर मुलजिम खालिद जदून गिरफ्तार। गुलुकारा एनी की शादी में वक्त की पाबंदी ना किए जाने पर छापा। होटल का अमला गिरफ्तार। रिश्वत के लिए पुलिस ने ड्रामा रचाया। दूल्हे का इल्जाम। कराची के इलाके गिजरी से एसएसपी शर्जील खरल की गाड़ी छीन ली गई। मुबीना टाउन और नाजिमाबाद से तीन डाकू गिरफ्तार। कोयटा के उज़्बेक बाजार में फायरिंग से खौफो हरास। 10 अफराद की हलाकत के खिलाफ आज हड़ताल की जाएगी। अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि फिरका वारियत के खात्मे के लिए जुर्रतमंदाना फैसले करना होंगे। अवाम को तहफ्फुज़ ना देने वाले इदारे खत्म कर देने चाहिए। एफाड्रीन कोटा केस, मूसा गिलानी और शहाबुद्दीन समेत 14 अफराद के नाम ईसीएल में शामिल करने की दरख्वास्त। हैदराबाद के पठान गोट में नौजवान की गिरफ्तारी के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। सड़क ब्लॉक कर दी। और टेनिस स्टार एसामुल हक और जूलियन रॉजर की जोड़ी यूएस ओपन डबल्स के तीसरे राउंड में पहुंच गए।